तो हम लोग अभी डॉर्मेट्री वाला रूम गए थे, ठीक है, तो वहाँ पर अभी वीडियो मतलब वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन वीडियो बनाए, तो वीडियो आपको भेज मतलब आगे लगा देंगे, देख लेंगे। मतलब हम सोचे थे वहाँ रुकने का, लेकिन जब देखे ना कि हम लोग अभी रूम में आ चुके हैं, तो रूम का फेयर था 728, मतलब 650 था और 12% GST। तो रूम में मतलब ऐसे एक और 850 वाला रूम था, तो उसमें बस टीवी था, तो उसका वो लोग 100 रुपीज़ एक्सरसाइज करते हैं, हम बोले टीवी तो देखना नहीं यार, तो फिर वो वाला रूम छोड़ दिए और ये वाला रूम ले लिया। तो अभी देखते हैं कहाँ जाना है, क्योंकि आज का दिन तो कुछ वैसे प्लान किए नहीं थे, कल ही से मेन प्लान है कहाँ घूमना है। तो और हम लोग स्टेशन के बगल में ही है, भैया वहाँ पर थे, वही लेके आए घर, वो 100 रुपीज़ लिए अपना चार्ज, मतलब कमीशन लिए, और वहाँ से फिर हम अभी होटल आ गए। तो होटल में मतलब ये रूम है जो दिखा देते हैं कैसा, कितना बड़ा रूम है, मतलब एक जन के मतलब यहाँ पर पता है दो जन तो आराम से रह सकता था, मिनिमम दो तीन जन रह सकता था, लेकिन अब कहते हैं सोलो टैलेंट है यार, उसका पैसा देना पड़ेगा। तो अभी रूम दिखाते हो फिर देखते सर क्या करना है। तो ये रूम तो मेरे को थोड़ा यार मतलब कॉस्टली लग रहा है, क्योंकि रूम भी कुछ खास नहीं और उसका तुम 750 रुपीज़ दे रहे हो, और वो भी नॉन एसी का। तो मेन ये सेंटर एरिया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पैसा ले रहा हो सकता है। तो अभी एक बार जाके बाहर देखते हैं होटल का प्राइस क्या हो, क्योंकि हम ये एक ही दिन ले लिए, रहने में यहाँ पर 3 दिन है, लेकिन हम लिए एक ही दिन के लिए, कि अगर ठीक लगा अगर कहीं और नहीं मिला तो रह लेंगे, वरना फिर बाद में बाहर देख लेंगे। तो अभी जल्दी से नहा धो लेते हैं, कल पूरा दिन ट्रेन में थे तो नहाए भी नहीं, तो अभी नहा धो के फ्रेश होते उसके बाद फिर चलते हैं बाहर। पर यार अभी हम लोग निकल चुके हैं, हम अपना ट्राईबॉडी लाना भूल गया, एकदम ध्यान से नहीं कर गया। तो अभी हम लोग मतलब चेन्नई सेंट्रल से यहाँ से ऑटो लिए थे होटल तक का, तो वहाँ का मेरे को 100 रुपये लिया था, और अब जबकि हम पैदल चले ना तो मुश्किल से 2 मिनट लगा हुआ मेरे को स्टेशन आने में, और उसका वो यहाँ तक आने का 100 रुपये ले लिया, मतलब लूट लिया मेरे को। तो मतलब 2 मिनट का भी रास्ता नहीं था, वो मेरे को ऑटो से पता नहीं गोल गोल घुमा घुमा के 5-10 मिनट लगा दिया ऑटो में, और वो मेरे 100 रुपये ले लिया। अब क्या कहाँ से आया वो क्या पता। तो अभी जा रहे कुछ खाने, क्योंकि कुछ खाए नहीं दोपहर को, सुबह को तो ले लिए थे इडली जो स्टेशन पर। अभी ढूंढते पहले खाना कहाँ पर है, अभी चेन्नई सेंट्रल आ गए हैं, वहाँ से फिर देखते हैं बगल में कुछ होगा तो। तो अभी हम लोग सेंट्रल जा ही रहे थे, तो यहाँ पर कुछ कहा था दूसरे एक बार टेस्ट कर दिखा के, तो यार लिटरली ऑसम था, मतलब कुछ डिफरेंट है, चेन्नई का पानी भी कुछ अलग था, मसाला भी कुछ अलग था। तो यार आए तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर ही जो कॉरपोरेशन, ये दोनों कॉरपोरेट बिल्डिंग है और जस्ट वो रहा स्टेशन, तो यहाँ पर ही है, यहाँ पर आओगे स्टेशन तो ये यहाँ पर कुछ का ट्राई कर सकते हो। अच्छा था, तो अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो यार लोग चेन्नई सेंट्रल के बाहर हैं, तो ना मेरे को स्ट्रीट फूड खाने का ज़्यादा मन कर रहा है, डोसा ही सब खाने का मन नहीं कर रहा। तो अभी हम लोग तरबूज लिए, तरबूज खा लें, फिर रात को मूवी का प्लान है। एक फ्रेंड है जश, वो आने वाला है, मतलब वो भी रांची का ही है, तो वो यहाँ पर कॉलेज में पढ़ता है, तो वो भी आएगा, फिर शायद तक वो मेरे साथ ही रुकेगा आज रात को, और फिर हम लोग मूवी जाएंगे। तो अभी खा के चलते उसके पास, मैं जाते उससे, और फिर आज तो जाएंगे नहीं घूमने, बस मूवी जाएंगे, कल से फिर कंटिन्यू करते ब्लॉग। तो हम लोग अभी डॉर्मेट्री वाला रूम गए थे, ठीक है, तो वहाँ पर अभी वीडियो मतलब वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन वीडियो बनाए, तो वीडियो आपको भेज मतलब आगे लगा देंगे, देख लेंगे। मतलब हम सोचे थे वहाँ रुकने का, लेकिन जब देखे ना कि सिचुएशन है वहाँ का इतना ख़राब, मतलब खड़े रहने में अजीब लग रहा था, चाहे सस्ता के पीछे मत जाओ, 700 रुपये दे दो वो मंजूर है, लेकिन ढंग का जगह रुको, बहुत फालतू जगह था वो, वीडियो में हम लगा देंगे पीछे, उसको देखिएगा बहुत ही घटिया जगह था, तो ऐसा जगह में मत ही रुकिए। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर लोकल ट्रेन में, प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते पहले, और फिर वहाँ से जाना हम लोग को वही दोस्त के पास। हम लोग अभी चेन्नई के लोकल ट्रेन में थे, वीडियो देखे होंगे, तो मतलब भीड़ नहीं यार उतना, नॉर्मल भीड़ है, और मेरे को तो अभी मतलब हम सही ट्रेन पकड़ के फिर उतर के वापस, हम दूसरा ट्रेन पकड़ के वापस वही जगह आ गए, फिर मेरे को वो ट्रेन पकड़ के वापस जाना है, तो मतलब ऐसा कन्फ्यूज़न हुआ ना। लेकिन अब हम जिससे भी पूछे यार वो हेल्प करने वाला, मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सीरियसली नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ नहीं है, सब इतने हेल्पफुल हैं ना, मतलब जितने लोग से पूछे बहुत अच्छा समझा है, भले लैंग्वेज बैरियर है लेकिन इंग्लिश में बहुत लोग इंग्लिश आती है मैक्सिमम को, तो इंग्लिश आपको बता देते, फिर आप समझ लो, हिंदी नहीं आता, हिंदी बहुत कम लोग आता है, बहुत कम, तो यहाँ के जो है वो लोगों को तो एकदम बहुत ही कम आता है, और जो यहाँ के नहीं है वो लोग को हिंदी आता है, तो इंग्लिश में समझना होगा, और हर 10-15 गैप मिनट के गैप में आता है,
तो अभी 10 मिनट बैठना होगा फिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सब जगह मेट्रो नहीं चलता, जैसे दिल्ली में हम लोग गए तो वहाँ पर सब जगह मेट्रो था, यहाँ सब जगह मेट्रो नहीं है। मेट्रो है लेकिन लिमिटेड एरिया में, यहाँ पर जो चेन्नई का जो अपना सेंट्रल में जो ट्रेन है ना वही चलता है, लोकल ट्रेन, और उसमें भी क्लीन बहुत है, मतलब बहुत साफ और कोई गंदगी करता भी नहीं था, अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और फिर डस्टबिन में गिराता है, तो ये अवेयरनेस बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पर चेन्नई में। खाने का लिए तो मेरे को नाम नहीं पता ये चीज़ है क्या, लेकिन लिए थे खाने का, तो अभी खाते हुए देखते रहते हैं। मेरे को नाम वो बोले थे, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या है, दिख तो रहा समोसा टाइप है और ठंडा है, ये रहा छोटा समोसा लग रहा है, खा के देखते हैं। बोला ओनियन इसके अंदर, तो देखते हैं टेस्टी है, इसका नाम कुछ और है, हम लोग के यहाँ कुछ और बोलते हैं, लेकिन अच्छा गर्म होता तो और भी अच्छा रहता। सिर्फ ओनियन है इसके अंदर, प्याज और कुछ नहीं है, ऊपर कवर है समोसा वाला और अंदर प्याज है। तभी खाते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। तो हम लोग अभी मतलब मूवी देख के निकल चुके हैं, तो भाई चेन्नई सेंट्रल मेट्रो पहुंच गए हैं, मूवी तो बहुत दूर है, मतलब मूवी देख के निकल के मतलब जा रहे हैं अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी पहले कुछ खाने का देखना, क्योंकि कुछ खाए नहीं है, शाम को जो खाए थे बस वही खाए थे, तो खाने का देखते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर चेन्नई में एक चीज़ है ना, मतलब जैसे अगर हम लोग को रोड क्रॉस करना है ना, तो नीचे अंडरग्राउंड वहाँ पर रास्ता बनाया हुआ है, सबवे जो बोलते हैं यहाँ पर, तो वो मतलब रोड के आपको दूसरे साइड पहुँचा देगा, और वो भी इतना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, और उसी में मतलब वो मेट्रो जो भी है, मेट्रो भी उसी में अटैच्ड है, तो पीछे साइड वाले मेट्रो में था और यहाँ पर हम लोग बस रोड के उस साइड बाहर आएंगे। और अगर कोई रांची सब में तो होता है तो कूद दे जाओ ऐसे ही, मतलब वहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर एकदम बड़ा बड़ा डिवाइडर भी कितना बड़ा है, तो उससे यार कोई कूद ही नहीं सकता। तो हम लोग अभी होटल अल्फा आ गए, अभी मतलब कुछ नहीं मिला, हम लोग इतना जगह भी घूम गए, मतलब कम से कम 3-4 किलोमीटर घूमे होंगे ऐसे ही, रेलवे स्टेशन में भी इतना घूमे, लेकिन सब जगह डोसा ख़त्म, खाना तो डोसा ही, लेकिन यहाँ भी डोसा ख़त्म हो गया, तो रोटी और पनीर का सब्जी बोले बस, और कुछ ही नहीं खाने को। टाइम कितना हो रहा है, 12:30 बजने में 10 मिनट बचा है, और एक लौता रेस्टोरेंट जो खुला बस सारा बंद हो गया। तो अभी खाते हो, फिर यहाँ पर डायरेक्ट बैठ जाते पनीर का सब्ज़ी और रोटी मंगाए, तो खा के बता दें टेस्ट कैसा। ये एक लौता होटल जो खुला है पूरा रास्ता सारा होटल, तो 12 बज भी रहे तो चेन्नई में सब सो जाते हैं, रांची में भी सब बंद ही जाता, लेकिन इतना कुछ तो खुला रहता ही है, ऐसे स्टेशन में तो मिल ही जाता था ना, मुझे 3-3 बजे आगे खाना, लेकिन यहाँ पर स्टेशन में भी कुछ नहीं बचा, सिर्फ इडली बड़ा, तो इडली तो सारे नहीं आता, इडली बड़ा खाना है ना तो कोई भी कॉन्टोमी छोटे इडली बड़ा मिल जाएगा, डोसा भी मिलेगा लेकिन वो बना हुआ रहता है, मतलब पैकेट में डाला हुआ रहता है, तो फिर वो खाने से फालतू ही रहता है, टेस्ट भी नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। ये लोग खा के निकल चुके हैं, खाना बहुत ही मस्त है यार, मतलब इतना मस्त स्पाइसी था, कढ़ाई पनीर था और रोटी भी मतलब थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, मतलब कढ़ाई पनीर भी बहुत स्पाइसी था। तो यहाँ पर आओ ना, तो स्टेशन के जस्ट थोड़े से पास ही में अल्फा नाम से है, नाम भी बड़ा यूनिक है, तो अल्फा नाम से, तो यहाँ पर आके खा सकते हो खाना, रोटी सब्जी तो अच्छा था, अब डोसा वोसा का नहीं पता, खाना बहुत ही मस्त था। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ, ज़्यादा दूर नहीं है घर, 5-10 मिनट का रास्ता है बस, पैदल ही चलते हैं। तो अभी हम लोग खा के निकल चुके हैं और प्राइस 222 लगा, 176 का था अपना डोसा और 36 रुपये का था कॉफ़ी, कुछ खास नहीं था,